ಗಣಪತಾಯ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ಧೀಮಹಿ ಗುಣ ಶರೀರಾಯ ಗುಣಮಂಡಿತಾಯ ಗುಣೇಶಾನಾಯ ಧೀಮಹಿ ಗುಣಾತೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ಗುಣಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ಧೀಮಹಿ ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರೀತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ जेको स्पीच में आ जेको परफॉर्म करण अचण वारो उन जो नालो नाले का पहिरीं टॉपिक ॿुधाईंदो हला टॉपिक आहे व्हाट्सअप जेको घर घर जी बीमारी थी वई आहे सो व्हाट्सअप जे टॉपिक ते इहो टे सालनि जी उमिरि आहे छोकिरी जी नालो इशिका कंवल अंदानी हिकु दफ़ो इशिका लाइ ताड़ियूं थी वञनि ताड़ियूं इशिका जे लाइ बिल्कुलु ॿुधण में कोन पियो अचनि कुल्फी में बिज़ी आहिनि माण्हू Thank you. Namaste, Jai Shri Ram. My name is Ishika Andani. My father's name is Kamal Kumar Andani. I am in junior KG. Today my topic is gossip. Oh my God, oh my God, what's the ಬಂದ ಕರೋ ಚಾಚಾ ಹಮಕೋ ದೇ
उत्सव व्हाट अ ट्रेजेडी ताड़ी दी देन हमका हमारा क्या कसूर व्हाट्सएप में है हमें तो जीने दो प्लीज थैंक यू ताड़ी दी ना नहीं के अढ़ाई साल की छोकरी जो इतना कॉन्फिडेंस लेवल एंड व्हाट्सएप देखो आज के टाइम के वरी वरी बीमारी है उनको ताके ताकि इन जो थॉट प्रोसेस शेयर किया ताड़ी दी ना इतना ईशिका जलाए थैंक यू ईशिका अच्छा उनका पो असानी अगली परफॉर्मेंस है सिंगिंग कैटेगरी में जो को परफॉर्मर है उन्हें नालो जिया रोहित सिंधी जिनकी चार साल की उम्र है एक नंडी प्रे पेश कर दी भजन पेश कंदी भाई ग्रुप में भजन पेश कंदा प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज ताड़ियों दी ना निकलो अलका एंड सानिया के लिए जोरदार ताड़ियों पुष्प नहीं बन सकते तो
तुम काटे बन कर मत रहना। थैंक यू। जय श्री संत नैनूराम साहेब की जय। थैंक यू। ताली दीजिए ने कदम छोकरन जी। दौलत दौलत दरिश दौलत मेघानी दौलत दौलत भाई की दिल ताड़ू की ना देख रहा दौलत भाई ये लार ताड़ू बिल्कुल काटियो जन अच्छा हाँ एक वरी डाल दिया साथ गिफ्टू जाम है निदा स्टॉल लगो पे आप पूरे गिफ्टें जो जिको तां सबन जेल आया यार अकी गिफ्ट जलाए मेघानी ब्रदर्स कूपन इन कूपन में सरप्राइज गिफ्ट है कूपन आ रहा येलो कूपन गिफ्ट भी येलो ओजन का पे कूपन नंबर 9 बी ट्रांसपेरेंट ऑनेस्ट नो नंबर अनिल डांस कर दो इन्हें अनिल शाबाश जल्दी 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 अनिल डांस करो अगी परफॉर्मेंस है जेको डांस है सो डांस प्रोग्राम जेको डांस है वो इशिका लालवानी जिया अंदानी जी जिन जो टॉपिक है गणेशा दे डांसर सो उनकी ड्रेसिंग का अगर वो ताड़ू दी जन ताड़ू बिल्कुल उदान में ना दी जन सरप्राइज गिफ्ट ना मिल दी Thank you.
ताड़ू थी ने नहीं कहता वो इन खूबसूरत डांस से रहा ताड़ू थी ना उन्हें ड्रेसिंग लाए अच्छा बैक टू बैक ऐसा ही डांस परफॉर्मेंस है इनका पूरे जीजे को परफॉर्मेंस है वो नील आर भीमानी नील भीमानी अच्छा नील रेडी है नील जी उम्र है खाली चार साल जो तांजला डांस पेश कर दो डीजे दिखता हूँ मैं तो इन दुकानों में मैं तो नहीं हूँ इंसानों में दिखता हूँ मैं तो इन दुकानों में दुनिया बनाई मैंने हाथों से मिट्टी से नहीं जज्बातों से फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान ये बहता पानी लेके जमी से आसमां तक मेरी ही कहानी मुझसे बने हैं ये पंछी ये बहता पानी लेके जमी से आसमां तक मेरी ही कहानी ताड़ू थी ना चार साल की उम्र में छोकरे कॉन्फिडेंस ताड़ू नील ला के तब थैंक यू नील अच्छा साइड में बीठल वॉलंटियर के रिक्वेस्ट था थोड़ो साइड में थी बीएन जो बैन के डिस्टर्ब में डिस्टर्ब ना दे मेहरबानी करे हेट रही रहो जटा जी उम्र 9 साल आ वर्षा किशन लोहाना वर्षा माँ मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा ओ माँ मेरी माँ प्यारी लकीरें बदल जाएंगी गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी हो खुदा पे भी असर तू दुआओं का है घर मेरी माँ प्यारी माँ किस्मत भी सांवर जाएगी जिंदगी तराने खुशी के गाएगी तेरे होते किस पड़े
अच्छा एक स्पेशल अनाउंसमेंट राजा जी तरफा है अज जो बर्थडे हुए जो अज बर्थडे हुए जो अज बर्थडे हुए उन सरप्राइज गिफ्ट रखी है राजा पैं आइडेंटिटी में वेरीफाई कराना पवन कानू भाई तुझे बर्थडे को फेसबुक से दिखो हे जीवत केसरानी बर्थडे बॉय अच्छा ब अलग अलग त्योच जो जिनो बर्थडे होने उन अलावा डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर 18 सेप्टेम्बर जो बर्थडे हुए स्पेशल गिफ्ट आ अच्छा चौथ जो जो बर्थडे हुए चौथ जो बर्थडे आरव मानकानी आरव प्लीज कम ऑन द स्टेज ताड़ू दी एक्चुअल में बर्थडे है ना ताडू जी ने आधार कार्ड की जरूरत कौन है ताडू जी ने सयोना एंड सिद्धार्थ सूरज वंकवानी कॉस्ट्यूम मैंने अनफॉर्चुनेटली इंदे इंदे गुम थी वन पर शॉर्ट टाइम में वधिक 10 मिनटन में कवर कर पे कॉस्ट्यूम के दो ताड़ी थी वन बिनन जला डीजे ओवर टू यू योगेश ताड़ू के बाद जोर पर ताड़ू चालू कर दबन जो है अलबेला मद नैनो वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है जो है अलबेला मद नैनो वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला वो किसना है सूरज प्लीज कम ऑन द स्टेज तो जो को अरेंज करो सूरज 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 के आंसू कौन है ना इमोशनल जरूरी का ना आंसू जन का बने इमोशनल जाए तारे दिखने नहीं कहता वो थैंक यू एक गिफ्ट दी ना अच्छा व्हाट्सएप गर्ल अच्छा टोकन ला सांझी इसी का अच्छी है व्हाट्सएप तो ऑरेंज ऑरेंज अच्छा टोकन है ऑरेंज सीरीज आ फाइव पंच अचान खे सीरीज में आए पंच सा गए चार अचान जरूरी है फोटोग्राफर प्लीज दादिया सेवाधारी प्रकाश प्रकाश इन में कोई चीटिंग तो कौन हुई ना अभी परफॉर्मेंस आ जो स्पीच आ उनके पेश करने संदीप
हेमंदा साधवानी 9 साल की उम्र है उन्हें संदीप हेमंद भाई प्लीज एग्जाम चालू हुआ एंड मोमेंट है संदीप यो प्रिपरेशन किया तो यो ताके डीसी करे बुधाइंदो पर उन छोकरे जी एक हिम्मत अफजाई जला है उन्हें मेहनत जला है कि तो वो ताड़ू थी इन्हें संदीप लाए समाज के अति प्यारे लोगों मेरे हम उम्र मित्रों आप सबको मेरी ओर से नमस्कार प्रिय जनों आज फिर हर साल की तरह हम सब संत की बरसी बना रहे हैं और गए साल की तरह इस साल भी युवा मंडल ने एक छोटा सा कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसमें मुझे भी बोलने का अवसर दिया गया है इसलिए मैं अपने युवा मंडल को धन्यवाद बोलना चाहूँगा मित्रों मुझ जैसे बालिक के लिए संत पे बोलना बहुत ही कठिन है मित्रों मुझ जैसे बालिक के लिए संत पे बोलना बहुत ही कठिन है मैं संत से आशीर्वाद लेते हुए मेरी हम उम्र मित्रों के लिए कुछ ना कुछ बोलूंगा प्रिय जनों संत उसे बोला जाता है जो राग द्वेष से दूर हो जो मान और अपमान में सम रहता हो और सुख साधनों से दूर हो उनके लिए सोना और मिट्टी एक जैसा होता है जड़ और चेतन में एक ही शक्ति भगवान को देखता है उसको कोई भी अवस्था दुख नहीं दे सकती है वो पूरी तरह से तृप्त होता है उनको किसी भी प्रकार की लोभ लालच नहीं होती है वो अपना कल्याण तो करते ही है जो उनकी संग में आता है उनका भी कल्याण करते हैं ऐसे ही हमारा संत नेनुराम था जिसको हम सब उनको नमन करते हैं जो अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाते हैं मृत्यु से निकालकर अमृत में लाते हैं ऐसे संत को मैं एक बार फिर नमन करता हूँ अंत में मैं छोटी सी कविता से अपनी वाणी को विराम दूंगा मित्र बनाओ पढ़ने वाले सच्चाई पर चलने वाले हित की बातें करने वाले सेवक सज्जन बनने वाले आज्ञा पालन करने वाले धन्यवाद आवाज कयो या अटेंशन न दिनो नी परफॉर्मेंस कट कई वेंदी सिद्धो जी जे परफॉर्म करे छो उनके मेडल जो सबन के देना ना जो एक प्राउड जी गाल उन सबन जो कैंसिल करो वो सो प्लीज पे अटेंशन एंड परफॉर्मेंस है जो स्पीच है उनके पेश कर आंचल एंड रिया अंदानी जो माँ के इंपॉर्टेंस के बारे में बुधाई ताड़ी थी वन बिन्न के लिए आंचल एंड रिया जो है मेरा नाम है रिया अंदानी अब मिलिए मेरी बहन से नमस्ते मेरा नाम है आंचल अंदानी आज हम आपको माँ के बारे में कुछ बताएंगे माँ मेरी माँ आज भी अनपढ़ ही है रोटी एक मांगती हूँ और वो दो ला कर देती है जी हाँ दोस्तों कुछ ऐसी ही होती है हमारी माँ माँ सबकी जगह ले सकती है लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता शायद इसीलिए कहते हैं कभी अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए क्योंकि वो आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है हर रिश्ते में मिलावट देखी कच्चे रंगों की सजावट देखी लेकिन सालों साल देखा है उस माँ के चेहरे पे ना कभी थकावट देखी ना ममता में कभी मिलावट देखी आज फिर गुजरा जमाना याद आता है आज मुझे घर का खाना याद आता है दिन भर की थकावट जब भूख में बदलती है वो प्यार से माँ का खिलाना याद आता है मेरे खातिर तेरा रोटी पकाना याद आता है अपने हाथों को चूल्हे में जलाना याद आता है वो डांट डांट कर
और खाना खिलाना याद आता है, मेरे वास्ते तेरा पैसा बचाना याद आता है। जब आए थे तुझे छोड़कर हम परदेश मेरी माँ, मुझे वह तेरा आंसू बहाना बहुत याद आता है। जिंदगी के सफर में हम बहुत आगे निकल जाते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं, नए दोस्त बनाते हैं, और जिंदगी के सफर में इतने ज्यादा मसरूफ हो जाते हैं कि उस माँ का हाल पूछने के लिए एक फोन करने का समय भी हमारे पास नहीं रहता। हम उस माँ को भूल जाते हैं जिसने हमको 9 महीने पेट में रखकर पाला था। तभी कहते हैं जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देगी तब भी आपकी माँ आपका साथ नहीं छोड़ेगी, वह केवल आपका भला ही चाहती है। तभी तो किसी ने क्या खूब लिखा है, मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को दिया होता। शायद इसीलिए कहते हैं उम्र कोई भी हो, चोट लगने पर मुंह से पहला शब्द माँ ही निकलता है। जब हम बोलना नहीं जानते थे तो हमारे बोले बिना ही माँ हमारी बातों को समझ जाती थी, और आज हम हर बात पे कह देते हैं कि छोड़ो माँ तुम क्या समझोगी। कुछ ऐसी ही होती है माँ, अपने बच्चों के सपनों के लिए अपनी बहुत सी ख्वाहिशों का त्याग सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। माँ सिर्फ एक ऐसी है जो साल के 365 दिन बिना छुट्टी और पगार के काम करती है। दोस्तों, बचपन में के चोट पर हल्के से फूंक मारना और कहना बस अभी ठीक हो जाएगा, ऐसा मलहम आज तक नहीं बना। हम उस माँ को भूल जाते हैं जिसने हमको 9 महीने पेट में, 3 साल हाथ में और जिंदगी भर दिल में जगा दी। उस माँ की हमेशा कदर कीजिए, क्योंकि किसी इंसान की कदर हमें तब पता चलती है जब वह हमारे पास इस दुनिया में नहीं रहता। वह केवल आपका भला ही चाहती है। तभी तो किसी दिन भर की थकावट जब भूख में बदलती है, प्यार से माँ का खिलाना याद आता है। दिन भर कमाने के बाद पत्नी पूछती है कितना कमाया, बेटा पूछता है मेरे लिए क्या लाए, दोस्त पूछते हैं कितना बचाया, लेकिन सिर्फ माँ ही एक ऐसी है जो पूछती है बेटा कुछ खाया कि नहीं। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर भी 3-4 बच्चे पाल लेती है माँ, लेकिन दुनिया की कड़वी सच्चाई ये है कि 3-4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। माँ के कंधे पर जब सर रखा मैंने और पूछा माँ कब तक अपने कंधे पर यूं ही सोने देगी, तो माँ ने कहा बेटा तब तक कि लोग मुझे अपने कंधे पर उठा नहीं लेते। माँ जो भी बनाए उसे बिना नखरे किए खा लिया करो, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं या तो उनके पास खाना नहीं है या तो उनके पास माँ नहीं है। और अगर आपकी अपनी माँ से बहुत दिनों से बात ना हुई हो तो आज ही अपनी माँ को फोन कीजिए और कह दीजिए माँ आई लव यू। थैंक यू। अगीम परफॉर्मेंस जिनो नालो मैत्री कैलाश ठक्कर जिनकी उम्र 9 साल दोस्ती के बारे में बुधाई मैत्री का एक दफा ताड़ू थी असा जूसर वो अवार्ड आ जूसर वाली गिफ्ट अचे पे इन ताड़ू थी मैत्री का एक दफा जोर सा मेरे साथ सब बोलो जय सच्चे संत नेनुराम की जय। मेरा नाम मैत्री के ठक्कर है, आज मैं दोस्ती के बारे में बोलूंगी। दोस्ती जीवन की सबसे कीमती उपहार है जिनकी में सच्चा दोस्त भाग्यशाली को मिलता है, जिससे हमारी जिंदगी में मिठास भर जाती है। मित्र जीवन का वो साथी है जो हमें हर बुराई से बचाता है, हमें सच्चाई की ओर ले जाता है, हमें सच्ची राह दिखाता है। एक ऐसा जो कभी दुख नहीं देता, एक ऐसा जो कभी दुख नहीं देता उसे हमें सुख अनुभव होता है। एक रिश्ता जो कभी ख़त्म नहीं होता, एक रिश्ता जो कभी ख़त्म नहीं होता वो है दोस्ती। जिंदगी में सच्चा दोस्त होना जरूरी है, जैसे कृष्णा और शुद्धा माँ की दोस्ती थी। बुड्ढों को भी दोस्ती चाहिए, बच्चों को भी दोस्ती चाहिए। आई लव माई फ्रेंड्स। पायो,
थैंक यू। अच्छा ये जो म्यूजिक ता बुद्धि रहा है देखो आवाज है जो स्पॉन्सर है कैलाश भाई मुखी दोस्ती में ये सागी जो टॉपिक आने दोस्ती में ये ता म्यूजिक से आनंद होती रहा है पांच सब ताड़ी दीजन कैलाश भाई जी लाए थैंक यू कैलाश भाई। अच्छा उनका पो असा जो अगी परफॉर्मेंस है जो डांस है अच्छा उन डांस से ला मैं इनवाइट करना चाहेंगे चांदनी लजपत राय वसनानी जिनकी उम्र 8 साल है जो तांजे डांस पेश करनी गोकुल की राधा गोकुल की राधा चली ओ चली 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 गोकुल की राधा चली करके श्रृंगार वे जमुना के तट पे करे कृष्णा इंतजार रे लजपत भाई एक दफो तांके अचान कर पे बाड़े हिम्मत अफजाई था तायु दीना ने एक बार लजपत रा लजपत वसनानी प्लीज उन पर्सनालिटी के जेकरी ता सुनाने सकदा हो ता मां थोड़ी हिंट दिन वाला जेको नंडी उम्र में योगा जी किंग क्वीन आ क्वीन किंग तो ना चाहिए सकूं योगा क्वीन क्योंकि गेस को नालो बुधाए सकनो पंच साल जी उम्र में योगा करने वाली छोकरी है। अच्छा उनला सरप्राइज इनाम आ जगह के गेस करे सके था पब्लिक डिमांड। अच्छा केवला नहीं अच्छी है जैसे सरने में अच्छी है बाकी नाले ही जरूरत है। अच्छा नालवा कोमल लाल केवलानी जो योगा पंच साल की उम्र में योगा जी मास्टर रख दो ताड़ी दिए ने कोमल जलाए Thank you.
थैंक यू कोमल एक दफ़ो तारी थी कोमल के लिए अच्छा अगे असो इनका प्राइज आ टोकन वो अच्छा लालो असो लाल भाई केवलानी प्लीज कम ऑन द स्टेज अचो अच्छा एक गाल बुधा छोकरी थी योगा कोई ना तू घो योगा कहीं अच्छा भजन तो बताया खाली योगा नाले थे तो ताली लाले जला चलो अगो असो कूपन जो सरप्राइज गिफ्ट जो बाकी है जूसर मशीन अच्छा जूसर मशीन कूपन ऑन पब्लिक डिमांड छोकरो अची वो असाज अच्छा जूसर ला कूपन नंबर आ पिंक में पिंक ऑरेंज लाया जूसर मशीन सूरज अच्छा जूसर मशीन जला नंबर तुम खपे नवे 9090 90 मां 6 माइनस करना था इनका टोटल 84 84 नंबर जेड हो जाओ जूसर खनी नहीं सके तो 84 ताड़ू दी ना निकला वो 84 जूसर जी ना 84 ना जला ताड़ू बिल्कुल कानन मौसम इतना सुटे लगा था ताड़ून की कंजूसी बिल्कुल घनी दी है यार वर्षा किशन लोहाना भी संत नेनुराम की जय। मेरा नाम वर्षा है और आज मैं गुरु और पिता के बारे में बोलना चाहूंगी। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात ब्रह्मा, तस्मै से गुरु दे नमः। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं। ध्यान ज्ञान धैर्य कर्म सब गुरु ही देन है। ये मंदिर भी क्या गजब जगह है, जहाँ मंदिर के बाहर गरीब भीख मांगते हैं, वहाँ मंदिर के अंदर अमीर भीख मांगते हैं। कभी भी पक्षी अपने बच्चों के भविष्य के लिए उन्हें घोंसला बना के नहीं देते, वो तो सिर्फ उन्हें उड़ना सिखाते हैं। ये पिता भी एक पेड़ के समान होते हैं, जिसके पत्ते भले ही कड़वे हो
लेकिन वो छांव ठंडी ही देते हैं। जेब खाली मना करते नहीं देखा, जेब खाली मना करते नहीं देखा, मैंने पिता से अमीर आदमी नहीं देखा इस दुनिया में। मात्र एक पिता ही है जो चाहता है मेरे बच्चे मेरे से भी ज्यादा कम, मात्र एक पिता ही है जो चाहता है मेरे बच्चे मेरे से भी ज्यादा कम। पेड़ तो अपने फल खा नहीं सकता, लेकिन वो हम सबको बांट देता है। खुद को भूखा रख के हमारा पेट भरता है, खुद को भूखा रख के हमारा पेट भरता है, वो हमारे पापा ही है। हेलो माय पेरेंट्स एंड टीचर्स, थैंक यू। जेको पांजी पुरानी टेंडेंसी है वो थोड़ी देर का पोए शाम जो ता करे सको था, या तो एक भैया व्हाट्सएप पढ़ाओ जे बारे में ताके बताई दी ताड़ू थी ने एक दफो एंजल जलाए। नमस्ते, मेरा नाम एंजल अंदानी, आज मैं आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बताऊंगी। बेटी बेटी एक लक्ष्मी होती है, अगर बेटा चाहिए तो क्या वो एक बेटी के बिना मिल सकेगा? नहीं, हम हर रोज अलग अलग देवियों की पूजा करते हैं, वो भी तो एक बेटी होती है, फिर क्यों हम हमारी बेटियों से नफरत करते हैं, उन्हें पेट में ही मार देते हैं? बेटी एक लक्ष्मी का अवतार होती है, बेटी के हंसने से ही बाप की थकान दूर हो जाती है, बेटी ही घर को संवारती है। मेरी एक शायरी इन बेटियों के नाम, मेहंदी लोली कंगन का सिंगार नहीं होता, मेहंदी लोली कंगन का सिंगार नहीं होता, रक्षाबंधन भाई दूज का त्यौहार नहीं होता, रह जाते हैं वो घर आंगन सूने बनकर, जिन घर में बेटियों का अवतार नहीं होता। जन्म देने के लिए माँ चाहिए, राखी बांधने के लिए बहन चाहिए, साथ निभाने के लिए पत्नी चाहिए, कहानी सुनाने के लिए दादी चाहिए, फिर ये सब रिश्ते निभाने के लिए बेटी को जिंदा रहना चाहिए। थैंक यू। जो सिलेक्शन के बारे में तो बुधाइण पवंदो टॉपिक के सिलेक्ट कर दो टॉपिक बेटी के बारे में हो, बेटी की जो अहमियत है वो सब जानन था। इन भारत देश के अंदर बेटी के जो है सही नमूने मना बेटी के लिए पढ़ाई के लिए उनके लिए कुछ भी नो कर उन टॉपिक के ही चूज कयो है, तो सब छोकरा ही न होंदा है, छोकर भी जो होंद जो असके अगत खड़ी होंद्य नालो रोशन कन्द छोकर भी कह दुनिया चेंज राजा के लिए दीपिका केवलानी ग्रुप डांस कंदी ओ चली ओ चली गोकुल की राधा चली ओ चली 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 गोकुल की राधा चली करके श्रृंगार वे जमुना के तट पे करे कृष्णा इंतजार दे ज्ञान वो ने
सीखने की असि कोशिश क्यों पंज साल की छोकरी जो योगा मैत्री एक्सपर्ट है उन्हें कुछ बेनिफिट वो तो एक दफो घुरा चाहस कोमल केवलानी के कोमल ताड़ू थी एक दफो कोमल के लिए उनसा जो रिक्वेस्ट कबूल कई संत की श्रद्धा अड़ी है जो रही नो उनके करे छोकरी कुछ तवाल बताई इस्लाम कोट पूरन भारतीय आश्रम माता जो नालो छा है माता टीजा संत जी माता जो नालो छा है मेघुबाई संत जे पिता जो नालो छा है मेघुराम संत जो गुरु जो नालो छा है कनीराम संत जा गुरु किथे रहंदा हुआ केकर राजस्थान संत जी भेण धर्म जी भेण जो नालो छा है माता टीजा संत जे काके जो नालो छा है लखुराम संत पेरन में छा पाइंदा हुआ चाकरियों संत हथ में छा खणदा हुआ वांजी डिगी लठ संत छाते सुमदा हुआ वांजी खटते संत बिस्तरे में छा बिछाइंदा हुआ रल्ली संत चरणामृत में छा दींदा हुआ कारा मिर्च संत जेको धोणी हुई जे में खाक दींदा हुआ मानन के उनके छा चेबो हो अखंड धुनी संत जेको तला ठारा जो हो पानी जे ला उनजो केड़ो नालो रखियाऊं राम तला संत तला जे पासे में जेके पवण वा उनन के छा चंदा वा राम लक्ष्मण संत चरणामृत में छा दींदा वा कारा मिर्च संत जेको खू कोटायो उनमें जेको पानी कढंदा वा उन कोलाई चरखो उनके छा चेबो हो भुल्लो हेलो संत वट कैड़ी सिद्धि हुई पवन घुटको संत जेके पखियन के दाणा दींदा वा उनमें कैड़ा दाणा दींदा वा बाजरी संत जा टे कैड़ा मूल मतावा पखियन की दाणा दे गुद्दा मन के पानी पियाने एरा गुजन के रोटी खारन अनक को याद है धन्यवाद काफी लिखे लो पर हम के पन्नो विसरी गयो है जेके छोकरी का सवाल कजा मुकमले 100% देना है साईं हिकिड़ो अधु सुवाल जेकी तव्हां लाले सां कंदा त वॾी महिरबानी दादी छो